हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेन पाइप, और ऑर्गेन पाइप जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑर्गेन पाइप। और इसका क्वेश्चन आसान होता है, खास बात यह है कि इसको जो है कम पढ़ के इसमें क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है, ये इसकी खासियत है। और हमने पहले भी कहा है कि साउंड छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो बनने की गारंटी होती है, चाहे वो कोई भी इवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्गेन पाइप है क्या, है ना। देखो यह कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हालांकि अब इसका एप्लीकेशन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन समझने के लिए सिंपली यह एक कोई भी पाइप है जो कि या तो वुड का बना हुआ हो, है ना, ग्लास का बना हुआ हो, कोई भी मेटल का बना हुआ हो। तो वही यहाँ पर लिखा गया, ए पाइप मेड बाय वुड, आयरन या ग्लास, जो भी। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आपका ऑर्गेन पाइप हो जाता है। सिंपली समझो कि कोई भी जैसे बांसुरी है, है ना, या मान लो कोई भी जैसे बांस का जो है पतला सा जो है पाइप होता है, उसको आप काट लीजिए, है ना, तो वह जो है ऑर्गेन पाइप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ऑर्गेन पाइप यहाँ जो है दो तरह का होता है, पहला क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप और दूसरा ओपन ऑर्गेन पाइप। देखो समझने के लिए ये बताओ, गाना वाना सुनते हो ना? Yes. सुनते हो, सही बात है। ये बताओ, जैसे मान लो एक बांसुरी बजाने वाला हो, वह भी एक्सपर्ट हो, है ना, एक हारमोनियम बजाने वाला हो, वह भी एक्सपर्ट हो, तो आप क्या सुनना पसंद करोगे, बांसुरी या हारमोनियम? बांसुरी। एक मत से आवाज आती है कि बांसुरी, बिल्कुल ठीक है, हमारी भी वही राय है, हम भी वही सुनना पसंद करेंगे, है ना, हम भी म्यूजिक पसंद आदमी हैं, लेकिन सुनना बांसुरी ही ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? इसका रीज़न शायद पता नहीं, लेकिन इसका रीज़न यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका रीज़न जो है इसको पढ़ने के बाद मिल जाएगा कि क्यों हम लोग बांसुरी सुनना पसंद करते हैं, उसका रीज़न यहाँ पर है। तो ये तो सबसे पहले इस टॉपिक का टारगेट है कि हमको क्यों बांसुरी सुनना अच्छा लगता है, हारमोनियम के कंपैरिजन में, ढोलक के कंपैरिजन में, है ना। जबकि मान लो बांसुरी जो है बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट है जो 2-4-10 रुपये में मिल जाएगा, फ्री में भी मिल सकता है, कोई पपीता का डंठल तोड़ के लोग बजाते हैं, बच्चा लोग, है ना, तो वो भी अगर बजाने वाला एक्सपर्ट हो तो अच्छा बजता है, तो सोचिए कि वो, और 2-4-10 रुपये का इंस्ट्रूमेंट है और ये करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट को फेल कर सकता है। और आजकल तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा सब आता है कि करोड़ों में जिसकी कीमत होती है, ऐसा सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको ये फेल कर सकता है, तो ये इसकी खासियत है। और क्यों ऐसा होता है इस पर हम बात करेंगे, और यही तो हम लोग को यहां पर इसमें स्टडी करना है कि इसका क्या कारण है। देखिए सबसे पहले ऑर्गन पाइप जो है दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को सिंपली हम लोग इस तरह से भी कहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन एयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन एयर। अच्छा ये बताइए, कितने तरह का आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है या सुना है जो कि बेस्ड ऑन एयर हो, जो बेस्ड ऑन एयर हो? जैसे बांसुरी तो है ही, और शहनाई है, हारमोनियम भी है, माउथ ऑर्गन भी है, तो ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ड ऑन एयर है, एयर कनेक्शन के साथ ही वह जो है बजता है, है ना। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका कि एक एंड क्लोज हो। अब यहां पर देखिए इस डायग्राम को, यह ऑर्गन पाइप है जिसका कि एक एंड क्या है, क्लोज है, या देखिए बंद है ना, और एक एंड क्या है, ओपन है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, सच टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप हुज वन एंड इज क्लोज्ड, जिसका एक सिरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एक सिरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, या ये कहिए कि एक सिरा खुला होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गन पाइप हो गया। यहां भी देखिए, ये थोड़ा बड़ा पाइप बनाए हैं, इसमें भी यहां पर एक एंड क्या है, इसका क्लोज है, और ये जो है इससे भी थोड़ा बड़ा पाइप बनाए हैं जिसमें एक एंड क्लोज है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए
अब हमने जो कहा कि इसका कारण क्या है कि बॉसेस सुनने में हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। देखिए इसका कारण है, यह जो है हमारा सबसे पहले अभी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं और बॉसरी जो है ओपन ऑर्गन पाइप। बॉसरी क्या है, कोई भी पपीता का डंटा तोड़ दो, बांस का जो मान लीजिए तोड़ दीजिए उसको डंटा, तो दोनों छोर उसका क्या होता है, खुला होता है ना। दोनों छोर क्या होता है, दोनों एंड क्या होता है, खुला होता है, और इस वजह से वह ओपन ऑर्गन पाइप है ना। और यह जो है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक सिरा उसका बंद कर दीजिए, ठीक है। तो देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है, इसमें जो है जो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई पड़ती है वो ऑड फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल, मतलब पहला एन, दूसरा 3N, फिर 5N, फिर 7N, इस तरह का सुनाई पड़ता है। किसमें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, अभी जो हम पहले बात करने जा रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ठीक है। तो उसमें जो है ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ता है, n, 3N, 5N, 7N, ऐसा, ठीक है। लेकिन जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है ना साहब, उसमें लगातार फ्रीक्वेंसी सुनाई होता है, उसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, एकदम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ता है, n, 2N, 3N, 5N, 3N, 4N, 5N, 6N, इस तरह से लगातार n, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, इस तरह से लगातार सुनाई पड़ता है। किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में। और इसी बात को हमको इसमें प्रूफ करना, ये हमारा पहले तो टारगेट है। सबसे पहले ये पढ़ने का तरीका है कि आपको हमेशा जो है टारगेट पता होना चाहिए कि हमको इसमें करना क्या है, ठीक है, तभी जो बात अच्छे से समझ में आती है और अच्छे से वो मेमोराइज भी होता है कि आपको इसमें करना क्या है, हमको इसमें निकालना क्या है। तो ये हमारा इसमें टारगेट होता है। इसमें जब लोग निकालेंगे कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जो है ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, लगातार फ्रीक्वेंसी, ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस, बट इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा साहब, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में, इन द क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस। और इसी बात को जो है इसमें हमको प्रूफ करना है, ये हमारा टारगेट है। और इसमें देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं सबसे छोटे पाइप पर। देखिए छोटे पाइप का मतलब, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये है कि जब पाइप छोटा होगा सबसे, तो मतलब वह जो फ्रीक्वेंसी उसमें प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर देखिए यह जो आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जो क्लोज्ड इंड होगा, यहाँ पर ये कैसा इंड है, ये क्लोज्ड इंड है साहब, तो क्लोज्ड इंड पर जो बनता है नोड बनता है, क्लोज्ड इंड पर क्या बनता है, नोड बनता है, और ओपन इंड पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, ठीक है। इसलिए कि कारण क्या है इसमें, अंदर की बात यह है कि ये ओपन इंड है, और ओपन इंड में क्या होता है कि वाइब्रेशन का स्कोप रहता है, इसमें तो आराम से वाइब्रेशन करेगा, लेकिन यहां पर वाइब्रेशन का स्कोप खत्म हो गया है ही नहीं, आई बात समझ में, यहां पर ये नोड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कि यहां पर ये वाइब्रेट कर ही नहीं सकते, ये तो इसका क्लोज्ड इंड है, बात समझ रहे हो, जहां खुला है वहां ना आप SHM कर सकते हैं, जहां बंद हो गया रास्ता ब्लॉक तो वहां कहां से SHM होगा, वहां वाइब्रेशन हो गई नहीं सपोज, ठीक है। तो ओपन इंड पर क्या बनता है, एंड एंटी नोड बनता है, या दूसरी तरह से ऐसे समझिए कि जब वेव का क्रिएशन होता है, जब ऐसे चलता है तो यहां पर से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है, और यहां पर क्या बना, एंटी नोड बना, और यहां पर क्या बना, नोड बना, ठीक है। और हर पाइप जो आप देख रहे हैं, देखिए यहां एंटी नोड, और फाइनली नीचे क्या बनता है, नॉट, यहां एंटी नॉट,
यहां पर क्या बना, नॉट, नॉट, यहां, यहां भी नॉट, यहां भी नॉट, ठीक है। और सबसे पहले जो है ये जो हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे छोटे पाइप के लिए, जिसमें कि एक एंटी नॉट होगा और एक नॉट होगा, एक एंटी नॉट होगा और एक नॉट होगा, ठीक है, एक एंटी नॉट होगा और एक नॉट होगा, और इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा इसमें क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट ओवरटोन। और इसमें क्या बोलेंगे इसको, नहीं फंडामेंटल, फंडामेंटल, अभी हम फंडामेंटल, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकेंड ओवरटोन, हार्मोनिक की बात बाद में है ना, हार्मोनिक की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस तरह से ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन और ये सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। सबसे जो छोटा पाइप होगा जिसमें कि एक एंटी नॉड होगा और एक नॉड होगा, ठीक है, जो सबसे छोटा पाइप होगा उसमें एक एंटी नॉड और एक नॉड, ये तो होगा ही, इसलिए कि क्लोज एंड पर नॉड का होना स्वाभाविक है, बात समझ गए। तो अब यहां पर देखिए साहब, हम बात करें पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जरा आप बताइए यहां पर जो है लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितना है, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, एंटी नॉट और नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्ब्डा अपॉन फोर, लैम्ब्डा बाय फोर होता है ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यहां देखिए लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप एल इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, लैम्ब्डा अपॉन फोर, तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर एल हो गया। अब ये बताइए हमारे पास जो फॉर्मूला है, वी हैव वी इक्वल टू एन लैम्ब्डा, वी इक्वल टू, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन लैम्ब्डा, एन इक्वल टू वी अपॉन लैम्ब्डा। अब ये बोलिए साहब एन इक्वल टू वी अपॉन लैम्ब्डा, तो वी अपॉन लैम्ब्डा, लैम्ब्डा के स्थान पर क्या हो गया, फोर एल, और यही जो फ्रीक्वेंसी मिली साहब इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको साहब, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला वाला जो आया ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ, बोले इसमें कोई तकलीफ है, ये समझ गए, तो ये क्या हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ। अब आइए हम बात करते हैं इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन की, किस पर बात करते हैं, फर्स्ट ओवरटोन की। तो जरा फर्स्ट ओवरटोन को देखें कि इसमें क्या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में क्या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर देखो अब इसमें फिर यहां पर ये बताइए कि यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितना होगा, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, ये फंडामेंटल की बात हुई। अब जो बात करेंगे फॉर फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप बोलो तो साहब कितना होगा, यहां से यहां तक, ठीक है, कितना होगा। देखो याद रखने का तरीका इसको ऐसे याद रखना है कि एक कटोरा कितना है, ये एक कटोरा ऐसे है ना, इसमें क्या था, एक कटोरा था, एक कटोरा लैम्ब्डा बाय फोर, ऐसा इसमें कितना कटोरा बन रहा, एक दो तीन, तीन कटोरा, तो थ्री लैम्ब्डा बाय फोर, आई बात समझ में, एक कटोरा लैम्ब्डा बाय फोर, दो कटोरा टू लैम्ब्डा बाय फोर, तीन कटोरा, आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ, तो इसलिए ये हो गया थ्री लैम्ब्डा अपॉन फोर। तो यहां पर जो लेंथ होगा साहब थ्री लैम्ब्डा अपॉन फोर, तो लैम्ब्डा कितने के बराबर होगा, फोर एल अपॉन थ्री, यही ना होगा। फिर जब फॉर्मूला आपके पास है v इक्वल टू एन लैम्ब्डा, इसको हम एन वन मान लेते हैं, एन वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन लैम्ब्डा। अब बोलो साहब लैम्ब्डा कितना यहां पर हो गया, फोर एल अपॉन थ्री, तो थ्री भी अपॉन, थ्री भी अपॉन, कोई तकलीफ इसमें, थ्री भी अपॉन फोर एल, तो यहां पर यही जो है आपका,
यह जो फ्रीक्वेंसी हुआ, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे एन वन जो निकला 3B/4L साहब, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ये क्या हुआ, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? अब देखो हार्मोनिक को याद रखने का तरीका क्या है कि इसको जो बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, क्या बोलेंगे इसको साहब, क्या बोलेंगे इसको साहब, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। और इसको याद रखने का तरीका यह समझना कि यहां पे क्या है, तीन है, यहां पर क्या है, तीन है, थ्री है, इसलिए यह हो गया थर्ड हार्मोनिक, ऐसे याद रखना है। अच्छा अब यह बताइए, इसके पहले जब हम निकाले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको अब कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। तो हार्मोनिक के याद रखने का तरीका समझ में आया, हार्मोनिक के याद रखने का तरीका समझ में आया कि यहां पे क्या है, तो यहां क्या, यहां वन है, यहां पर वन देने में कोई आपत्ति क्या, वन दे दीजिए, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। कोई तकलीफ इसमें? अब जरा देखो यही जो फॉर्मूला आपका हुआ, जैसे एन वन 3V/4L, तो V/4L तो एन है, इसको क्या दे सकते हैं, 3N दे सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तीन गुना फ्रीक्वेंसी 3N, ठीक है। आई बात समझ में? ये अगर N है तो ये कितना हो गया साहब, 3N। कोई तकलीफ इसमें? और एक बार फिर हार्मोनिक बोलिए, ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, इसके बाद कौन सा हार्मोनिक आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। अब मन में हो सकता है इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं आया, तो साहब सेकेंड हार्मोनिक इसमें अब्सेंट होता है, सेकेंड हार्मोनिक होता ही नहीं है, यही ना बोला कि इसमें जो है सिर्फ ऑड वाला आता है, सेकेंड हार्मोनिक इसमें अब्सेंट होता है। आई बात समझ में? अब देखिए आइए इसके बाद पर भी हम देखते हैं, ये जो बड़ा पाइप होगा इससे जो लेंथ है यहां पर 5L, यहां पर कितना है 5λ/4, ये जो अब इससे जो जस्ट बड़ा पाइप होगा, तो देखिए जब इससे जस्ट बड़ा पाइप बनाएंगे तो आपको नोड तो यहां पर देना ही है, नोड तो यहां होगा, एंटी नोड यहां होगा, और इससे जस्ट बड़ा में एक कटोरा और बढ़ जाएगा इसमें, है ना, एक कटोरा इसमें और यहां बढ़ गया देखो, ठीक है। अब इसका लेंथ हमको चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या तरीका बताएं इसका लेंथ के लिए साहब, एक कटोरा, कितना कितना कटोरा इसमें, एक कटोरा, दो कटोरा, तीन कटोरा, चार कटोरा, पांच कटोरा, कितना कटोरा हो, बात समझ में आया, एक कटोरा, दो कटोरा, तीन कटोरा, चार कटोरा, पांच कटोरा, तो कितना हो गया, 5λ/4 हो गया, ऐसे याद रहेगा, तो ये 5λ/4 हो गया। अब आइए यहां पर, अब जो बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन की बात हो गई, अब किसकी बात होगी, सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन में साहब लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप जरा बोलिए तो 5λ/4, कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए? अब ये बताओ साहब, तो लेमडा इक्वल टू 4L/5, तो फिर भी इक्वल टू एन लेमडा, इसको एन टू मान लें, कोई तकलीफ इसमें, एन टू मान लें, तो यहां पर एन टू V/λ, लेमडा कितना साहब, 4L/5, तो कितना हो गया 5V/4L, कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए? तब यहां पर देखिए N2 आपको मिला 5V/4L, और इसी को क्या दे सकते हो, 5N दे सकते हो, और यही तो मेरा टारगेट था ना, इसके बाद तो टारगेट था हमको मिलना क्या है, 5 मिलना है, तो टारगेट पता होना चाहिए, इसमें आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो इसके बाद 5 मिला, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन तो है ही, सेकेंड ओवरटोन तो है ही, हार्मोनिक कौन सा है, हार्मोनिक कौन सा है, फिफ्थ हार्मोनिक। फोर्थ वाला कहाँ गया, फोर्थ वाला गया अपने ससुराल, समझ गया ना, मतलब वो नहीं होता, ठीक है, फोर्थ वाला इसमें नहीं होता है, इसके बाद फिफ्थ ही होना चाहिए। अब जरा इस
बस तीन के बाद अब जाने की जरूरत नहीं है, आपको अब सीरीज मिल गया, 1, 3, 5 सीरीज हमको मिल चुका है। इसके बाद अगर जाने की इच्छा भी हो तो 7 होगा, आप रिस करके देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए और गौर से देखिए कि हार्मोनिक और ओवरटोन के बीच कुछ रिलेशन है, हार्मोनिक और ओवरटोन के बीच कुछ रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ध्यान से देखिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं कि हार्मोनिक और ओवरटोन के बीच कुछ रिलेशन बन रहा है। ये देखिए, फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक हुआ, सेकेंड ओवरटोन है, फिफ्थ हार्मोनिक हुआ, कुछ रिलेशन बन रहा है, बोलिए सोच के, कुछ रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? देखिए, मान लेते अगर हम बात करें कि पीएथ ओवरटोन, सपोज ओवरटोन हार्मोनिक कौन सा होगा? देखिए, फर्स्ट था, एक था तो थर्ड हार्मोनिक है, यहां पर सेकेंड था तो फिफ्थ हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन होगा तो क्या होगा? सेवंथ हार्मोनिक होगा, सेवंथ होगा, कुछ रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल सही बात, 2p+1th हार्मोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, इवन IIT में भी ये कई बार पूछा गया है कि 2p+1th हार्मोनिक होगा, पीएथ ओवरटोन 2p+1th हार्मोनिक। लेकिन अंदर की बात यह है कि ये क्लोज्ड के लिए है साहब, क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप के लिए, ये क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप के लिए रिलेशन है कि पीएथ ओवरटोन 2p+1th हार्मोनिक। आई बात समझ में? 2p+1th हार्मोनिक, ये किसके लिए है? क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप के लिए है। एक हम पिछला क्लास में भी डिस्कस किए थे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, है ना, तो उसमें अलग रिलेशन होता है। जो नहीं देखे हैं तो हम इसमें जो है आपको लिंक डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें ये क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए हुआ, पीएथ ओवरटोन 2p+1th हार्मोनिक। अब इसके बाद हम ओपन ऑर्गेन पाइप डिस्कस करेंगे और उसमें ये रिलेशन अलग होता है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। और पहले तो ओपन ऑर्गेन पाइप का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, क्या होता है? लगातार फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गेन पाइप में प्रोड्यूस होता है ना, लगातार फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गेन पाइप में प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? उसको हम देखेंगे अभी, पहले ये लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है, जरा यहाँ भी पॉज कर दीजिए, लिखने दीजिए, ठीक है। इसके बाद ओपन ऑर्गेन पाइप की बात हम जस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप पर बात की, क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप का हम लोग देखे उसमें किस तरह से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, और क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप में सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये ओपन ऑर्गेन पाइप की, तो ओपन ऑर्गेन पाइप होता क्या है? ऐसा ऑर्गेन पाइप जिसका कि दोनों छोर क्या होना चाहिए साहब? खुला होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन ही है, सच टाइप ऑफ ऑर्गेन पाइप हुज बोथ एंड आर ओपन इज नॉन एज ओपन ऑर्गेन पाइप। और हमने जो कहा कि ओपन ऑर्गेन पाइप का सुटेबल एग्जाम्पल बांसुरी, बांसुरी की ध्वनि हमें क्यों अच्छी लगती है, जो हमने कहा कि बांसुरी सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर बांसुरी बजाने वाला भी एक्सपर्ट हो और हारमोनियम बजाने वाला भी एक्सपर्ट हो तो बांसुरी सुनना हम लोग पसंद करते हैं। तो इसका कारण यह है, इसका रीज़न यह है कि इसमें लगातार फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, इसलिए बांसुरी की जो स्वीटनेस होती है वो ज़्यादा होती है, मिठास ज़्यादा होती है, इसलिए कि उसमें लगातार फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, N2N3N4N5N, इस तरह से लगातार फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस इन केस ऑफ ओपन ऑर्गेन पाइप। इसी बात को लिखा गया, इन द ओपन ऑर्गेन पाइप ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस N2N3N4N5N, और इसी बात को हमको इसमें साबित करना है, प्रूफ करना है। आई बात समझ में? तो यहां देखिए डायग्राम इसका, जो सबसे पहले जो सबसे छोटा पाइप होगा, देखो जो ओपन इंड होगा तो ये तो पता है ओपन इंड पर क्या बनेगा साहब,
एंटी नॉट, नीचे भी ओपन है, यहाँ भी एंटी नॉट बनना होगा, यहाँ भी देखिए एंटी नॉट, यहाँ भी एंटी नॉट, दोनों छोर पे यहाँ भी एंटी नॉट और यहाँ भी एंटी नॉट, आई बात समझ में? तो देखिए, और बीच में तो नॉट बनना ही है। तो सबसे पहले आइए हम इसके लिए बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमको क्या चाहिए? सबसे पहले लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो इसके लिए क्या बोले हैं, ऐसे समझना, ऐसे याद रखना है, एक कटोरा लेमडा बाई फोर, दो कटोरा है टू लेमडा बाई फोर, ठीक है ना? बात समझे कि नहीं? ये देखिए लेमडा बाई फोर, ये लेमडा बाई फोर, दोनों मिला करके टू लेमडा बाई फोर, तो ये आपका हो गया टू लेमडा बाई फोर। तो साहब आप लेमडा बाई टू ले लो, नो प्रॉब्लम। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया साहब? 12। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फिर आप बताइए, हमारे पास जो फार्मूला है v इक्वल टू n लेमडा, तो n इक्वल टू v अपॉन लेमडा, तो v अपॉन लेमडा, लेमडा के स्थान पर 12, और यही जो है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 4l, और यही है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और इसमें क्या बोलते हैं? वी बाई फोर एल, तो ये हुआ ही, और ये हार्मोनिक कौन सा हुआ? यहां पर क्या दे सकते हैं हम लोग? तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, लेमडा इक्वल टू, ओ सॉरी यहां पर ये 12 हो गया, इसको यहां दो दे दीजिए, लेमडा इक्वल टू 12, लेमडा इक्वल टू 12 यहां लिए हुआ है ना, तो लेमडा इक्वल टू 12। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए, लेमडा इक्वल टू 12। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर फिर देखिए, इसके बाद जो बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हुई, अब इसके बाद क्या होगा? फंडामेंटल के बाद क्या बात होगा इसमें? फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन का आपका ये डायग्राम है, देखिए यह जो आपका फर्स्ट ओवरटोन का डायग्राम है, ठीक है ना, फर्स्ट ओवरटोन का ये डायग्राम है, कोई तकलीफ इसमें? अब इसमें देखिए लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप 4 लेमडा बाई 4, इसको आप लेमडा दे सकते हैं, ठीक है, 4 लेमडा बाई 4 मतलब क्या हो जाएगा? लेमडा हो गया, तो एल इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा साहब? 4 लेमडा अपॉन 4 मतलब लेमडा। अब फिर यहां पर बताइए वी इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा, इसको हम एन टू लिख देते हैं, तो एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई लेमडा। तो अब यहां पर देखिए, अब लेमडा कितने के बराबर है? एल के बराबर है, यहां यहां लेमडा और एल दोनों बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब वी अपॉन एल। तो जरा देखिए अब साहब कि ये क्या हो जाएगा, एन टू इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? वी अपॉन एल। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फायदा क्या होगा इससे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो यहां पर आ गया 2n। कोई तकलीफ इसमें? और यही तो मेरा इसमें टारगेट था, आई बात समझ में? जरा देखिए यहां पर एक बार इसको ऊपर फिर लिख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, n2 कितने के बराबर? 2v अपॉन 2l, अब मतलब क्या हो गया ये? 2n है ना, n या n1 जो भी लीजिए। तो यह जो फ्रीक्वेंसी हुआ कौन सा हुआ? ये पहले निकाले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फर्स्ट ओवरटोन। और हार्मोनिक क्या बोलेंगे? यहां क्या है इसको देखना है, क्या है यहां पे? सेकेंड हार्मोनिक, आई बात समझ में? अब इसके बाद इससे जस्ट बड़े पाइप पर जाएंगे, ये वाला जो है, अब इसमें जाएंगे तो हम लोग जो बात किए फर्स्ट ओवरटोन हो चुका, अब क्या जाएंगे हम लोग, बोलिए? सेकेंड ओवरटोन की बात करेंगे, सेकेंड ओवरटोन। तो यहां चलिए, अब लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितना होगा साहब इसमें? एल इक्वल टू 6 लेमडा अपॉन 4 मतलब कितना हो जाएगा? 3 लेमडा अपॉन 2।
तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L अपॉन 3। लेमडा इक्वल टू 2L अपॉन 3। फिर बोलिए साहब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इक्वल टू एन लेमडा, इसको हम एन थ्री मान लेते हैं, एन थ्री इक्वल टू वी अपॉन लेमडा, लेमडा कितना 2L अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा साहब 3V अपॉन 2L, तो एन थ्री इक्वल टू 3V अपॉन 2L, और इसको क्या लिख सकते हैं साहब, 3N दे सकते हैं, बिल्कुल सही, इसको 3N दे सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें, ठीक है ना। अब ये बताइए ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हुआ, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हुआ, सेकेंड ओवर टोन। और हार्मोनिक क्या बोलेंगे, हार्मोनिक क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक याद रखने का तरीका आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये याद रखने का तरीका बता रहे, ऐसा नहीं ये कोई नियम नहीं है, ना ही आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए तो चाहे जैसे भी याद रहे वो सब जायज है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है क्या है कि 3 है तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, और जो मेरा टारगेट था देखिए वो अब निकला कि नहीं, लगातार निकला, एन था फिर 2N था आया, फिर उसके बाद अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 4N आना चाहिए, तो वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। वैसे 3 के बाद ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद फिर आपका काम हो जाता है, हम लोग को मिल गया, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं, हेंस वी सी दैट इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप वी गेट ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इन द ओपन ऑर्गन पाइप, लिख दो, तो चलिए हम भी लिख देते हैं इसको, इन द ओपन ऑर्गन पाइप ऑल द इंटीग्रल, वो तो लिखा हुआ है ही, उसमें ऊपर लिख ही चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए कोई बात नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस। बात समझ में आए कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। और अब इसमें एक और ट्रिक बता रहे, टेक्निक बता रहे कि इसको आपको हार्मोनिक और ओवरटोन को और कैसे याद रखना, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी हुआ उसको हम लोग क्या बोले, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोले उसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकेंड ओवरटोन, उसके बाद थर्ड ओवरटोन, है ना, ऐसे है। तो ओवरटोन जो याद रखना है, जैसे मकान में जो शुरू होता है, मकान में जो शुरू होता है कैसे, सबसे पहला जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना, पहला फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ग्राउंड, मतलब समझिए फंडामेंटल, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकेंड फ्लोर। आप लोग अभी किस फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ये सेकेंड फ्लोर है ना, सही बात है। तो इसको इस तरह से याद रखना है, पहला हो गया फंडामेंटल, फिर उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकेंड ओवरटोन, ऐसे याद रखना है, याद रहेगा। और हार्मोनिक को याद रखने का और आसान तरीका, यहां पर जो है देखना है कि क्या है, 2 है तो सेकेंड हार्मोनिक होगा, 3 है तो थर्ड हार्मोनिक होगा, 4 होगा तो फोर्थ हार्मोनिक होगा, और खास बात यह है कि इसमें लगातार जा रहा है। और जरा फिर इसको गौर से देखिए कि हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या रिलेशन है, इसके लिए एक फार्मूला बनेगा, हार्मोनिक और ओवरटोन के लिए एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, पीएथ ओवरटोन इक्वल टू क्या है, देखिए तो इसमें पी प्लस वनथ हार्मोनिक, ऐसा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, अंदर की बात यह है कि ये किसके लिए हुआ साहब, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। और भी जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का याद है, दोनों सेम याद रहेगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का और इसका ओपन ऑर्गन पाइप का, पीएथ ओवरटोन पी प्लस वन है हार्मोनिक, ठीक है। जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अगर नहीं देखे हैं तो उसका हम जो इसमें
लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो उसका और ओपन ऑर्गन पाइप का एक जैसा होता है, ठीक है, और क्लोज ऑर्गन पाइप का अलग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, कई बार ये क्वेश्चन जो आईटी में पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम में पूछता रहता है। बोले इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ गए ना? हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय आर के जय सर, है ना, इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फायदा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।